नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बात मुक्ता की। आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं जोड़ों या घुटनों से जुड़ी परेशानी के बारे में। अपने पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरह बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक हर किसी को घुटनों और जोड़ों की परेशानी से जूझना पड़ रहा है। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल के बारे में, जिसने आज की तारीख में सबसे ज्यादा युवाओं को अपनी चपेट में ले लिया है। साथ ही हम बात करेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स और मिथ हैं हड्डियों को लेकर जोड़ों के बारे में, तो उसके बारे में भी हम डॉक्टर से बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहिल, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उनसे सारे सवालों के जवाब लेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे नी की बात हम लोग कर रहे हैं आजकल, आप देखिए सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। शायद ये भी है कि ज्यादा लोग वर्किंग हैं, तो आपने जैसे कहा कि वो पोस्चरल डिफेक्ट है, सर्वाइकल पेन, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया, जिसको सुनी वो उससे परेशान है। सर्वाइकल पेन यंगस्टर्स में ज्यादा देखा गया है। आपके 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 न्यूज चैनल में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है। सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए मैं आई वुड लाइक टू स्ट्रेस कि आपको चार चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पहले है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। इफ यू आर यूजिंग ऑन अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर, आफ्टर 45 मिनट्स या मैक्सिमम एक घंटे के बाद, एक से दो मिनट के लिए आपको आपको नेक को स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है, जो कि कोई भी नहीं करता। लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, बिल्कुल नहीं करते। तो पहला है स्ट्रेचिंग एंड दूसरा आता है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। अगर आपको पेन है तो यू शुड डू स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, विच वी कॉल एज आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेस। उसको आप एक बार सुबह घर, आई एम सेइंग कि सबके पास टाइम नहीं होता, तो उसका तरीका है कि आप जब घर से ऑफिस के लिए निकल रहे हो, आप कैसे भी आ रहे हो, यू आर टेकिंग मेट्रो और कैब या ड्राइव भी करते आ रहे हो, तो भी 5 मिनट के लिए यू कैन डू आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेस, गाड़ी रोक के भी अगर आप ड्राइव कर रहे हो। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस एक बार व्हाइल कमिंग टू ऑफिस, नेक्स्ट व्हाइल गोइंग टू हाउस फ्रॉम द ऑफिस। तो आप क्या सजेस्ट करोगी, हमें किसी से पूछ के, किसी डॉक्टर से सजेशन लेके ही करना चाहिए, या जैसे आजकल होता है कि वीडियोस देख लिए यूट्यूब पे और हमने शुरू कर दिया? एक्सरसाइजेस आपको कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन बता सकता है। एक राउंड कंप्लीट करने में आपको हार्डली 6 मिनट्स लगते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 मिनट सुबह और 5 to 7 मिनट शाम को। हाँ, इतना टाइम तो कोई भी निकाल सकता है। अभी सिस्टम पे काम करते हुए आफ्टर एवरी 45 मिनट्स आपको स्ट्रेचिंग करनी है, शाम को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। थर्ड कम्स अर्गोनॉमिक्स, जिनको कोई भी फॉलो नहीं करता। अर्गोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर है, उसका जो अपर एज है और जो आपकी आंखें हैं, ये बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। अभी आपकी भी नहीं है, आइडियली आपके लैपटॉप की जो टॉप मोस्ट एज है और आपकी आंखों का जो लेवल है, वो एक होना चाहिए। जब मेरा लैपटॉप मेरी आंखों के बिल्कुल सामने होगा, तो ना मैं ऐसे करके काम करूंगा और ना ही मैं ऐसे करके काम करूंगा। दोनों कंडीशंस में मेरी नेक के ऊपर जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। अब अभी आपके टेबल का लैपटॉप जो हाइट है वो बहुत कम है, तो आई वुड से कि इसके नीचे या तो ब्लॉक्स रखो या बुक्स रखो या कुछ भी रखो, या तो अपने लैपटॉप को रेज करो या अपनी चेयर हाइट कम करो, सो डैट लैपटॉप का अपर है जो रहे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, अर्गोनॉमिक्स के बाद आता है, डैट इज योर पिलो। आप भूल जाते हैं कि पिलो कैसे सर्वाइकल पेन कर सकता है। तो पहले तो बहुत सारे मिथ हैं। कुछ लोग कहते हैं पिलो यूज़ करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं पिलो नहीं यूज़ करना चाहिए। फिर अगर यूज़ करना चाहिए तो कुछ बोलते हैं सॉफ्ट पिलो यूज़ करना चाहिए, कोई बोलता है हार्ड पिलो यूज़ करना चाहिए। तो इस पे मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि पिलो का क्या रोल है। आपको देखना है कि आप किस पोस्चर में सोते हैं। अगर तो आप सीधे यानी सुपाइन पोजीशन में सो रहे हैं, तो वो आपकी चॉइस है, आप पिलो यूज़ करना चाहें या पिलो यूज़ ना करना चाहें, डैट इज़ योर चॉइस। बट अगर आप साइडवेज सोते हैं, तो पिलो की विड्थ इतनी होनी चाहिए जितने आपके एक शोल्डर की विड्थ है। सपोज मैं ऐसे लाए करके सो रहा हूँ, तो मेरे जो पिलो की विड्थ है, मैं कैलकुलेट करूँगा कि मेरी नेक से लेके मेरे एक शोल्डर की विड्थ है, मुझे इतना मोटा पिलो चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो मेरी गर्दन ऐसे ओवरहैंग करेगी, और बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो मैं ऐसे ऐसे इस तरफ मेरे गर्दन पुश होगी। तो दोनों ही पोस्चर में मेरी नेक अफेक्ट होने वाली है। मुझे सुबह उठ के स्टिफनेस और सर्वाइकल पेन ज़रूर फील होगी, जो आजकल सब लोग अवॉइड करते हैं। सब सोचते हैं कि हम रात को सो गए, पता नहीं कैसे अब एक गर्दन में अकड़ाव सा है जी। तो अगर आप पिलो की हाइट जानना चाहते हैं, तो पिलो की हाइट जानने का यही तरीका है, और वो सबकी अलग होगी। आपके शोल्डर की जो विड्थ है, आपको उतना ही पिलो चाहिए वाइल आप साइडवेज सो रहे हो, और अगर आप सीधे सोते हो तो इट इज़ योर चॉइस, करना है तो करो।
और नहीं माना तो नहीं करो। डॉक्टर साहब, मैंने सुना था PRP ट्रीटमेंट, पहले हम लोग ये सिर्फ कॉस्मेटिक्स में इसे यूज होते हुए सुनते थे, लेकिन अब जॉइंट्स में भी, जॉइंट ट्रीटमेंट में भी सुन रहे हैं, तो इसका ये क्या है? कॉस्मेटिक्स में भी क्यों यूज कर रहे हैं? आपने कभी सुना, आपको कोई डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट अगर बोलता है कि आप PRP लगवाइए, तो किस फायदे के लिए बोलते हैं? कि आपकी स्किन पहले की तरह हो जाएगी। हाँ। आप वैसे ही ग्रो करोगे, आपको हेयर लॉस ग्लो करोगे, सॉरी, आपको हेयर लॉस है तो आपके पहले की तरह बाल आ जाएंगे। तो PRP से हमेशा एक शब्द जुड़ा है, पहले की तरह। तो कोई तो मैकेनिज्म है ना क्यों? तो PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, आपकी बॉडी से ही 10-20 ml ऑफ ब्लड एस्पिरेट किया जाता है, उसे एक स्पेशलाइज सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इट इज़ अ रीजनरेटिव थेरेपी, जिसे हम बोलते हैं पहले की तरह, जैसे आपने सुना होगा स्टेम सेल्स हैं। तो अगर आप PRP बॉडी के किसी भी पार्ट में इंजेक्ट करते हो, वहाँ पे जो भी सेल्स हैं वो रीजनरेट होते हैं। आप अपने फेस पे कर सकते हो, आप हेयर लॉस के लिए कर सकते हो, और आप नी पेन और शोल्डर पेन के लिए कर रहे हो, तो आपके नी में और शोल्डर में भी एक रीजनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आप, मैं ये नहीं कहूँगा पूरा कार्टिलेज वापस आ जाता है, इसीलिए PRP भी एक स्टेज तक सक्सेसफुल है, एंड आफ्टर अ सर्टेन स्टेज PRP इज इनअफेक्टिव इन द नी। तो इट्स अ रीजनरेटिव थेरेपी विच यू कैन ऑलवेज यूज, एंड इसका कोई साइड इफेक्ट अभी तक तो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, सो इट्स सेफ। अच्छा, एक टर्म है शोल्डर में, रोटेटर कफ टीयर, ये क्या होता है? शोल्डर में बेसिकली दो टर्म्स बहुत कॉमन है, पहली रोटेटर कफ टीयर और दूसरा फ्रोजन शोल्डर। हाँ। बहुत सारे लोगों को इनका डिफरेंस नहीं पता होता कि मुझे टीयर हुआ है या मेरा कंधा जाम होना इज फ्रोजन शोल्डर। तो शोल्डर में सबसे पहले जो सिम्टम्स सामने आते हैं, आप बोलोगे कि पेन हो रहा है या स्टिफनेस हो रही है, अकड़ाव है या दर्द है। तो अगर तो आपको पेन और स्टिफनेस है सिर्फ, तो डैट इज फ्रोजन शोल्डर, जो कि फिजियोथेरेपी से और एक्सरसाइज से ऑलमोस्ट 100% ठीक हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है, आपके कंधे में दर्द है और आपको कंधे में अकड़ाव महसूस होता है, तो ये आप फ्रोजन शोल्डर की तरफ जा रहे हो। आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर एक्सरसाइजेस करके अपना फ्रोजन शोल्डर ठीक कर सकते हैं। तो आपको लगता है फिजियोथेरेपी कराने से इसमें आराम मिलेगा? फिजियोथेरेपी इज द ओनली ट्रीटमेंट, दर्द को मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं, बट फ्रोजन शोल्डर में फिजियोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट। हाँ, अगर बहुत ज्यादा वर्सन हो जाए तो फिर सर्जरी आती है, और अगर इसके साथ एसोसिएटेड रोटेटर कफ टीयर है, और रोटेटर कफ टीयर जो है, रोटेटर कफ इज अ ब्लेंड ऑफ 4 muscles, आई वुड से 4 muscles मिलके एक रोटेटर कफ बनाती हैं, विच आर सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। पहले जानना जरूरी है कि कौन से मसल का टीयर हुआ है, कफ में कौन से कंपोनेंट का टीयर हुआ है। मोस्टली सुप्रास्पाइनेटस टीयर होता है, उसमें पेशेंट की कंप्लेन होती है कि मुझे दर्द है। अब यहाँ पे दर्द और स्टिफनेस के साथ वीकनेस भी स्टार्ट हो जाती है, आपको ओवरहेड अबडक्शन या हाथ ऊपर उठाने में भी पेन होता है। रोटेटर कफ टीयर में आपको अपने डॉक्टर को मिलना बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्दी मिलेंगे उतना अच्छा है। अगर आप इनिशियल स्टेज पर मिल रहे हैं तो फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है, लेकिन आपका अगर आपका टीयर हो गया है, कफ टीयर और सुप्रास्पाइनेटस टेंडन टीयर है, तो क्या होता है कि विद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो ये टेंडन रिट्रैक्ट होता है। अगर तो सिर्फ टेंडन यही है, तो मैं इसको आर्थ्रोस्कोपिकली दूरबीन की मदद से दोबारा अपनी जगह पे ला के सूचर एंकल से टाई करके इसको पहले जैसा बना सकता हूँ। लेकिन अगर ये पूरा रिट्रैक्ट हो जाए, आप सोचो दैट टेंडन इज एक्टिंग एज अ टेरेस अबव योर बोन, आर्म बोन, विच इज कॉल्ड ह्यूमरस। तो अगर ह्यूमरस के ऊपर की छत ही चली गई, वो पीछे रिट्रैक्ट हो गई, तो धीरे धीरे विद टाइम आपकी बोन भी ऐसे ऊपर उठ जाएगी। तो जब आपका ह्यूमरस ऊपर उठेगा, वो आपके स्कैपुला का ग्लेनॉइड कैविटी के साथ बार 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 टकराएगा, तो आपको नी, जैसे आपने नी आर्थराइटिस की बात की, ऐसे शोल्डर की भी आर्थराइटिस हो जाएगी। और अगर वो स्टेज हो गई है, देन यू वुड नीड अ शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो सिर्फ नी नहीं, शोल्डर भी रिप्लेस होते हैं। डॉक्टर साहब, महिलाओं में एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम, स्पेशली बच्चे हो जाने के बाद कमर में बहुत दर्द होता है, तो वो क्यों होता है और उसके लिए क्या करना चाहिए? कमर में दर्द इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, सिर्फ महिलाओं में नहीं, आजकल तो सब में, हर एज ग्रुप में आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जो आपको कमर में भी बेसिकली नीचे की तरफ, लोअर बैक एक जैसे हम बोलते हैं, वो पेन है। तो पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको सिर्फ लोअर बैक पेन ही है, या कई बार वो पेन आपकी लेग्स में भी आता है। फिर कुछ टाइम के बाद लेग्स में पेन के साथ साथ आपको कभी कभी टिंगलिंग
नमनेस, सुनपन, भारीपन, वीकनेस, हेवीनेस महसूस होती है, जिससे आप बोलती हो कि शैटिका हो रहा है जी। तो कमर की मैं बात करूं तो हमारी वर्टिब्राज होती हैं विच आर मेड अप ऑफ बोन्स। उसके अंदर एक स्पेस होता है विच इज स्पाइनल कैनाल, जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड हमारी पास ऑन हो रही है, और ब्रेन से लेके बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं वो सब स्पाइनल कैनाल के थ्रू ही पास होती हैं। तो और वर्टिब्रास के बीच में, इन दो हड्डियों के बीच में एक जेलेटिनस सब्सटेंस है जिसे आप बोलते हो डिस्क। तो अगर आपकी डिस्क प्रोट्रूड हो रही है या आपकी हड्डियों का आर्थराइटिस हो रहा है या किसी भी कारण से अगर आपकी नर्व कंप्रेस हो रही है जो वहाँ से निकल रही है, तो जिस एरिया की नर्व कंप्रेस होगी आपको उसी रीज़न पे टिंगलिंग, नमनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन, ऐसे सिम्टम्स महसूस होंगे। अगर आपने कॉमनली सुना होगा L4-5 या L5-S1 में प्रॉब्लम है या L3-L4 में प्रॉब्लम है, तो उस एरिया की नर्व जो है L4 नर्व, वहाँ पे इरिटेशन होगी तो आपको L4 के एरिया पे जो है सुनपन, भारीपन महसूस होगा। इसमें भी आप सबसे पहले मेडिसिंस और फिजियोथेरेपी से ही हम स्टार्ट करते हैं। मेडिसिंस और फिजियोथेरेपी में 50% पॉपुलेशन में रिलीव आ जाता है। उसके बाद हम बोलते हैं कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी बैक को स्ट्रेंथन रखने के लिए। 6 वीक्स तक, मतलब 6 हफ्ते, 1.5 महीने तक भी अगर मेडिसिन और फिजियोथेरेपी लेकर के आपकी कमर के दर्द में और नीचे सुनपन भारीपन में कोई भी आराम नहीं आया, तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो हम उसे बोलते हैं SNRB, डेट इज सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक। आपने सुना होगा कि कमर में एक इंजेक्शन लगाया तो जहाँ से जो नर्व कंप्रेस हो रही है हम उस नर्व को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा ही नाम में है कि सेलेक्टिव नर्व सेलेक्ट की कहाँ पे पेन है उसमें ब्लॉक दे दिया, उससे भी आपके सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। उसका असर आप मान के चलिए 2 हफ्ते से लेकर के 3-4-5-6 महीने तक आपको इंजेक्शन से दर्द नहीं होता जी। इस इंजेक्शन के बाद 70-80% आपकी जो दर्द है वो ठीक हो जाती है, और जो बची हुई 15-20% है वो बाद में हम मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से कंट्रोल कर लेते हैं। 90% सक्सेस रेट है इस SNRB इंजेक्शन का, मतलब 100 लोगों को इंजेक्शन लगाया तो 10 को रिलैप्स नहीं होगा, 10 को होगा, 90 को नहीं होगा। अब जो 10% है जिनको SNRB से भी आराम नहीं होता, तो फिर लास्ट ऑपरेशन आता है कमर दर्द की सर्जरी, जिसमें हम नस में जो ब्लॉकेज है उसको हटाने की सर्जरी करते हैं, डीकम्प्रेस करते हैं उस एरिया को, और आपकी जो दर्द है फिर ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब, क्योंकि समय की कमी है, लोगों के कुछ सवाल हैं, मैं चाहूँगी आप उसका फटाफट जवाब दीजिएगा। लोग जानना चाहते हैं मिथ और फैक्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत, जैसे कि क्या ये सही है कि क्रैकिंग योर नकल्स कैन लीड टू अर्थराइटिस और जॉइंट डैमेज? नो, इट इज नॉट। क्रैकिंग साउंड इज ड्यू टू नाइट्रोजन बबल्स व्हिच आर कलेक्टेड इन योर जॉइंट्स। मैं क्रैक कर रहा हूं, मेरा बबल ब्रेक हो रहा है, इट हैज नथिंग टू डू विद माय जॉइंट। अच्छा, लोगों का ये पूछना है कि क्या दूध पीने से आपकी बोन स्ट्रांग होती है, क्या साइंटिफिक एविडेंस है कोई इसे सपोर्ट करने के? डिपेंड करता है कि आप दूध कौन सा पी रहे हो, और अभी जो दूध है वो मोस्टली पैकेज है और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। ऑफकोर्स कैल्शियम और विटामिन डी आपकी बोन को स्ट्रेंथन करते हैं, बट सबके दूध में उतना कैल्शियम या विटामिन डी है कि नहीं है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट बात है, तो मैं नहीं बता सकता कि दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। इट्स अ डिफरेंट, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि आपको दूध की ज़रूरत है, आपको कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत है, वो आप सप्लीमेंट से भी पूरा कर सकते हो। अभी जैसे मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं दौड़ते हैं बिकॉज दे थिंक इट्स बैड फॉर देयर नीज। नहीं, दौड़ना कभी भी बैड नहीं है नी के लिए, बट आपको ऑब्वियसली कोई प्री एग्जिस्टिंग इंजरी है या हेयरलाइन फ्रैक्चर आपने बताया, लिगामेंट इंजरी है, आप उसे अवॉइड करके भी अगर दौड़ते जा रहे हैं तो वो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू वर्सन। कोई भी जॉइंट पेन, क्या वो इंडिकेशन है आर्थराइटिस का या उसके और भी कारण हो सकते हैं? और भी कारण हो सकते हैं, उस कारण को जानने के लिए आपको अपने डॉक्टर को मिलना बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि रेस्ट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ऑल जॉइंट इंजरीज? रेस्ट एंड स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, आई वुड लाइक टू से, सिर्फ रेस्ट देने से डिसयूज एट्रॉफी हो सकती है, और बहुत ज्यादा यूज करने से ओवर यूज करने से भी हमारा जॉइंट जो है वो खराब हो सकता है। तो इट्स ऑलवेज अ बैलेंस बिटवीन रेस्ट एंड एक्टिविटी। अच्छा, आजकल जेलेटिन उसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लोग कहते हैं कि अगर आप जेलेटिन लेते हैं तो इट इम्प्रूव योर जॉइंट हेल्थ, तो क्या ये सही है? जेलेटिन में शायद आप हाइलुरोनिडेज एसिड एंड विस्कस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया नी आर्थराइटिस की भी स्टेजेस हैं। स्टेज वन में आप मेडिसिन तो इसमें, मतलब अगर आपको पेन है तो आप पेन किलर्स लो, विच आई डू नॉट रिकमेंड बहुत ज़्यादा लेने से, बट फिजियोथेरेपी है स्टेज वन तक ट्रीटमेंट।
अब स्टेज टू में आपका जो नी आर्थराइटिस है उसमें इंजेक्शंस का रोल आता है। उनमें इंजेक्शन में एक तो हम हाइलुरोन विस्कस सब्सटेंस देते हैं, तो जो हमारा कार्टिलेज डैमेज हो गया, हड्डियाँ टकरा रही हैं, एक ग्रीस आप लेमन टर्म में बोल सकते हैं, वो हम इंजेक्ट करते हैं। उससे 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का हम टाइम बाय कर सकते हैं बिफोर हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। और अगर हम वहीं पे कंट्रोल कर लें, फिजियोथेरेपी करते रहें, तो हमें बहुत लंबे समय तक ज़रूरत नहीं पड़ती। अब फिर स्टेज फोर में अगर आपका नी है, आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस हो गया, देन आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ ऑल्सो मोर देन 95% सक्सेसफुल एंड सेफ सर्जरी। अच्छा, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जॉइंट पेन इनएविटेबल है एज वी एज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने जॉइंट को हेल्दी रखते हैं, आप प्रॉपर रेस्ट लेते हैं और एक्टिविटी का बैलेंस बना के चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लगता है कि अगर हम कोशिश करें तो हम अपने जॉइंट्स को हेल्दी रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा, क्या मौसम बदलने से जॉइंट पेन बढ़ जाता है, स्पेशली ठंडी के मौसम में? मौसम बदलने से कोई भी पेन आप ज़्यादा या कम परसीव करते हो, इट इज़ नॉट अबाउट जॉइंट पेन। क्या होता है कि जब ठंडा मौसम आता है तो आपका जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन हम उसे बोलते हैं। तो वेजो कंस्ट्रिक्टेड स्टेज में हमें कोई भी चोट दी जाए, वो कहीं पे भी, वो स्किन में, सॉफ्ट टिश्यू में लगे, तो हमें दर्द ज़रूरत से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और वेजो डायलेटेड हैं अगर वेसल्स, ब्लड फ्लो अच्छा है, तो ये सब खून के दौरे से मैं रिलेट कर रहा हूँ, अगर उस एरिया में ब्लड फ्लो बहुत अच्छा है तो वो बहुत जल्दी जो कि पेन के मेडिएटर्स हैं वो कम परसीव होंगे आपको, वो वॉश आउट होते रहते हैं ब्लड के साथ। सर्दियों में आपका ब्लड फ्लो कम हो जाता है एक पार्ट पे, तो आपको पेन थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होता है। पेन उतना ही है लेकिन आपका उसको फील करने का थ्रेशोल्ड, आपकी परसीविंग कैपेसिटी जो है उस पर फ़र्क पड़ता है। अच्छा, ओवरवेट होने से फ़र्क पड़ता है जॉइंट्स पे? बिल्कुल पड़ता है। मैंने बताया ना, आप अगर आप क्लाइंब डाउन कर रहे हो तो आपका 5 times वेट आपके नी पे आ रहा है। अगर आप 70 के हो तो 350 आ रहा है, लेकिन आप ऑलरेडी 100 के हो तो आप 500 किलो वजन डाल रहे हो घुटनों पे जब आप नीचे उतर रहे हो। तो ओवर वेट होने से सिर्फ नी नहीं, आपको अपना वेट मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, सप्लीमेंट्स कैन प्रिवेंट और क्योर आर्थराइटिस? दीज आर required for the health of your bone and joints. Obviously calcium and vitamin D की deficiency है, तो सब कुछ interconnected है। आपके joint, आपके bones weak होंगी, bone weak होंगी तो definitely bone से मिलकर joint बने तो आपके joint में जल्दी problem आनी start हो जाएगी। अगर आपको arthritis है तो क्या exercise करना harmful होगा? नहीं, अगर आपको arthritis है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मुझे उस part के लिए कौन सी exercises करनी है। इसीलिए आपको एक अपने नज़दीकी orthopedic surgeon से मिलना बहुत ज़रूरी है, तो आपको बता सकें कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। और कौन सी एक्सरसाइज करनी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि मुझे कौन सी एक्टिविटी या कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मुझे इस पार्ट की प्रॉब्लम है, मैं अपनी मर्जी से एक्सरसाइज करके इसको क्योर कर रहा हूँ, हो सकता है आप उसे और ज़्यादा खराब कर रहे हो, वर्सन कर रहे हो। तो क्या करना है क्या नहीं करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके संपर्क करें। डॉक्टर साहब, हम लोग कई बार देखिए घुटनों से आवाज़ आती है, कई बार आप चलिए तो भी ठक ठक करता है, तो क्या वो आर्थराइटिस का साइन? नहीं, उसके बहुत सारी रीजंस हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आर्थराइटिस है। और अगर हम ध्यान दें तो जो भी जॉइंट पेन है हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? जॉइंट डिपेंड करता है कितना डैमेज हो गया है। अगर आपका कार्टिलेज पूरा लॉस हो गया, मैंने बोला स्टेज फोर आर्थराइटिस है, तो आप उसे रीजनरेट नहीं कर सकते, देन TKR इज द ऑप्शन। और अगर आप जल्दी मिलते हैं अपने डॉक्टर से, अवॉइड नहीं करते अपने सिम्टम्स को, तो डेफिनेटली हम उसे डिले कर सकते हैं, हम उसको अच्छा जिस स्टेज पे है उसी स्टेज पे मेंटेन कर सकते हैं। हम फिजियोथेरेपी करके अपने मसल्स को इतना स्ट्रांग कर सकते हैं कि आपको जॉइंट पेन जो है वो परसीव ना हो। और आपसे एक आखिरी सवाल कि डाइट और न्यूट्रिशन कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं इन पूरी चीज़ों में? मोर देन 50%। न्यूट्रिशन इज एवरीथिंग, पीपल से यू बिकम व्हाट यू ईट। तो अगर आप बहुत ज्यादा हैवी खाना खाते हो तो आप वैसे लेथार्जिक और स्लो फील करते हो, सोचो आपने खाना खाया energy, अच्छा एक सवाल energy, मैं आपको बीच में टोकने, क्या वेजिटेरियंस ये ज्यादा फेस करते हैं, नॉन वेजिटेरियंस कम? ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जिसमें मैं अभी जाना नहीं चाहूंगा, ऐसा कुछ भी यू नो साइंटिफिक तरीके से प्रूवन नहीं है। अच्छा, चलिए, तो आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आपने फोकस किया, जिससे आई एम श्योर हमारे सभी दर्शकों को बहुत फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, थैंक यू सो मच। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।